हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कैसे अपना डायलिंग कीपैड को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपके लिए गाइस आपके हम जाना मोबाइल सेटिंग के आइकन पे। तो गाइस, जहाँ पे हम मोबाइल सेटिंग के आइकन पे चलते हैं, तो गाइस जैसे मैं आपको बताया, तो गाइस जहाँ पे आप मोबाइल सेटिंग के आइकन पे जाएं, तो गाइस जहाँ पे हम मोबाइल सेटिंग के आइकन पे चल देते हैं। तो गाइस, जिस तरह से गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आइकन दिए गए हैं, जिसमें से गाइस आपको क्या मोबाइल सेटिंग के आइकन पे जाना है। तो गाइस, आपको सैमसंग का फ़ोन दिया गया है, जिसमें से गाइस आपको क्या मोबाइल सेटिंग के आइकन को ओपन कर दिया। ओपन कर लेने के बाद आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या लेना है, जहाँ पे आपको जाना, कहाँ गाइस जहाँ पे आपको जाना है साउंड वाइब्रेशन पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आपको क्या लेना है, जहाँ पे आपको जाना है स्मार्ट सेंटर में। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर लिया, फिर आपको डायलिंग कीपैड को गाइस ऑन, तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। तो गाइस, जो आपके डायलिंग कीपैड है गाइस वो आपका ऑन हो चुका है। गाइस, हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।